हेलो हाय यूरोन स्टॉक टिपर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले कोल इंडिया शेयर्स के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर्स ट्रेड करते हुए दिख रही है 307। यहाँ पे देख सकते हैं 1.776% की तेजी, यहाँ पे 5.30 पॉइंट्स की तेजी बनते हुए दिखी। 5 डेज पे बात करें तो गजब की तेजी, 6% की तेजी, बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है। 1 मंथ पे आ जाए तो एक गजब लेवल पे 9.82 की तेजी। और इनफैक्ट आपको याद होगा कि पुरानी वीडियो जितनी भी मैंने अपलोड की है तो उसमें मैंने कोल इंडिया के बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो यहाँ पे जब बात चल रहा था कि 300 ब्रेक करते हुए दिखेगी तो वो दिख चुकी है कोल इंडिया के बारे में। देख सकते हैं इधर अपडेट है, लगातार अपडेट मिलते हुए दिखी है आप लोग को। तो यहाँ पे ऑल ओवर चलिए बात करते हैं कोल इंडिया में। देखे तो यहाँ पे अभी तो 307 पे ट्रेड कर रही, बट अभी के पॉइंट पे बहुत ही पैनिक से निकलना एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि क्या करना एक बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप फ्लक्चुएशन देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे पहुंची हुई है मार्केट में। और जब मार्केट में ऑल टाइम हाई पे रहती है तो शेयर्स की तहलके अलग लेवल पे रहती है। तो ऑल ओवर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 मंथ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें अभी के टाइम में ये 300 पे हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट बना चुकी है। 300 एरिया इसके मेरे लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट है। इनफैक्ट आप लोग को भी सजेस्ट कर रहा हूँ 300 एरिया आप लोग भी एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट लेके चलिएगा। अगर 300 ब्रेक करते हुए दिखती और थोड़ा सा रिस्क और लेने का मन करता है देन यू कैन गो फॉर 280, पर 280 पे भी नहीं जाना, 290 तक वेट कर लेना। अगर 280 पे से ब्रेक करती है तब तो जो जितने भी शेयर है सेल आउट कर लो, क्योंकि आपको यहां से एक बहुत ही बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिले। यहां पे अगर बात करें बहुत कोई पैसे बहुत पहले से लगाए हुए, देख सकते हैं 240 से भी पैसे लगाए हुए, 220 से भी लोग पैसे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग को इतना लंबा फ्लक्चुएशन मिल रहा है तो आप लोग इस चीज का ध्यान देना कि यहाँ पे कौन से लीडेट करते हुए दिखेंगे। और 300 आपकी फर्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते अभी के टाइम में। बट तेजी ये कहां तक का बनाने का ट्राई कर रही है, ये तेजी आराम से 320 से भी प्लस जाने का अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म टारगेट देना, 320 आपको अक्टूबर तक में कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, 320 आप लोगों को ध्यान रखना है। और डेली तो वीडियो अपलोड होते रहती है तो जिसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर लो, और जिससे आप लोगों को भी बेनिफिट होगा कि हमेशा वीडियो अपलोड रहेगी तो आप लोग समझ पाओगे, हमेशा रेगुलर मार्केट अपडेट आपको मिल पाएगी। बट आपको ये चीज याद रखना है 310 का एरिया जैसे ही ब्रेक करते हुए दिखता है तो 320 की टारगेट हमारी बन जाएगी आराम से, 320 और 300 हमारी सपोर्ट एरिया बनेगी। 300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इनफैक्ट 290 भी आप लोग याद रखिएगा। ये 10-10 पॉइंट्स का जो गैप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट में आप लोग के लिए। बट अगर आप लोग मूव आउट होना है तो बहुत ही सोच समझ के मूव आउट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी डाउन आने का चांसेस बनाएगी, ऐसा नहीं है नहीं बनाएगी। देख सकते हैं शेयर्स फिर से यहां तक आई थी, फिर से यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाई, तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स का मे भी डाउन ट्रेंड बनते हुए दिख जाए। बट पैनिक नहीं होना आपको, ऑल ओवर यही मैं बोलूंगा, पैनिक मत होइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, इनफैक्ट कुछ डाउट हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।